पृथ्वी हॉस्पिटल में जाकर संदीप को जान से मारने की करेगा कोशिश। और आ गई पृथ्वी की सच्चाई कोर्ट में सभी के सामने, और ऋषभ आ गया जेल से बाहर और पृथ्वी जाएगा जेल और पहली बार शालिनी देगी पृथ्वी को धोखा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में पृथ्वी की असली सच्चाई जेल के बाहर प्रीता राखी माँ को बता देगी, जिस वजह से राखी माँ काफी गुस्से के साथ जाएगी लूथरा हाउस और मार देगी सबसे पहले पृथ्वी को शोर से तमाचा। और बड़ा खुलासा करती हुई राखी माँ पूरे लूथरा परिवार के सामने कहेगी कि हमारे ऋषभ को जेल में डालने वाला और हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि ये पृथ्वी है, जिसे सुनकर पृथ्वी हिल जाएगा और तभी प्रीता को झटका लगेगा और राखी माँ के पृथ्वी को तमाचा मारने का एक सपना निकलेगा। लेकिन बड़े राज का खुलासा होगा कि प्रीता राखी माँ को शांत करके पृथ्वी के असली सच्चे कोर्ट में सबके सामने लाने के लिए राखी माँ से वादा लेती हुई कहेगी कि आप वादा करिए कि आप पृथ्वी को कुछ नहीं करोगे और अगर आपने कुछ कर दिया तो हमारा सारा बना बनाया हुआ प्लान फेल हो जाएगा और वो अलर्ट हो जाएगा और ऋषभ जी को हम जेल से बाहर नहीं ला पाएंगे। यह सुनकर राखी माँ अपने आप को कंट्रोल करेगी, लेकिन जब लूथरा हाउस में राखी माँ प्रीता शालिन और समीर पृथ्वी से मिलेंगे तब राखी माँ के आंखों में पृथ्वी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा भरा होगा, जिस वजह से पृथ्वी को एहसास हो जाएगा कि जरूर कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ है और इन लोगों को जरूर कुछ ना कुछ पता चला है जो मुझे नहीं पता, जिस वजह से पृथ्वी कोर्ट की सुनवाई से पहले रात को किसी को पता ना चले ऐसे संदीप को हॉस्पिटल में जान से मारने के लिए जाएगा। जहां पर जब पृथ्वी संदीप के वार्डरूम में पहुंचेगा तब वहां पर संदीप सो रहा होगा, जिसका फायदा उठाकर पृथ्वी बाजू में तकिया उठाकर संदीप का मुंह दबाकर जान से मारने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी वहां पर अचानक से नर्स आ जाएगी और पृथ्वी संदीप को जान से नहीं मार पाएगा। और बड़े राज का खुलासा होगा कि प्रीता ऋषभ जी को जेल से बाहर निकालने के लिए और ऋषभ पर लगे झूठे इल्जाम को हटाने के लिए पृथ्वी पर पूरा दिन नजर रखेगी, जिस वजह से प्रीता को पता चल जाएगा कि पृथ्वी संदीप से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया है ताकि वो अपने आप को संदीप के जरिए बचा सके। और इसी वजह से प्रीता पृथ्वी के संदीप के हॉस्पिटल जाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी, जिस वजह से बड़े राज का खुलासा होगा कि जब कोर्ट में ऋषभ की आखिरी सुनवाई होगी तब पृथ्वी के संदीप को हॉस्पिटल में जान से मारने की धमकी देने की वजह से संदीप डर के मारे ऋषभ के खिलाफ झूठी गवाही देने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी प्रीता इशारों से संदीप को कह देगी कि मेरे पास तुम्हारा वीडियो है जिसमें तुम दौड़ सकते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखकर संदीप पृथ्वी और प्रीता दोनों में से प्रीता को चुनेगा और संदीप कोर्ट में सच्ची गवाही देते हुए कहेगा कि मुझे एक्सीडेंट से कुछ नहीं हुआ है और मैं ठीक से चल पाता हूँ और ऋषभ को हमेशा के लिए जेल में रखने के लिए मुझे और किसी ने नहीं बल्कि पृथ्वी ने कहा था, वो मुझे इसके लिए पैसे दे रहा था ताकि ऋषभ को मैं हमेशा के लिए जेल में ही रहने दूं और वो ऋषभ को और उसके पूरे परिवार को अंदर से बर्बाद कर देना चाहता है, जिस वजह से वो ऋषभ से बदला ले रहा है। ये सब सुनकर पृथ्वी के कोर्ट में होश उड़ जाएंगे और पृथ्वी कोर्ट में ही पूरी तरह से फंस जाएगा, जहाँ पर जब पृथ्वी को कंठखरे में बुलाया जाएगा तब पृथ्वी कुछ भी गवाही देने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन पृथ्वी अपने आप को इनोसेंट साबित करने की पूरी कोशिश करेगा और कहेगा कि संदीप मुझे फंसाने के लिए झूठ कह रहा है और कहेगा कि मैं ऋषभ जी को बचाने के लिए संदीप से हॉस्पिटल मिलने गया था और मैंने संदीप को कहा कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो केस वापस ले लो, लेकिन उसने मुझसे पैसों की मांग की, लेकिन मैं पैसे ना देकर सच का साथ देना चाहता था और मैंने वही किया, मैंने संदीप को पैसे नहीं दिए इसीलिए वो मुझे फंसा रहा है। ऐसे पृथ्वी उल्टा संदीप को ही फंसा देगा और ऋषभ जेल से बाहर आ जाएगा और संदीप अपनी ही जाल में फंसकर संदीप को जेल हो जाएगी और पृथ्वी की सच्चाई आते आते बच जाएगी। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है हमें जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।